तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑटोकैड में सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए रिबन में होम टैब के अंदर ड्रॉ पैनल में से आप सर्कल पर क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्ट की यानी कि सी एंटर कर सकते हैं। सर्कल की शॉर्टकट की है सी एंटर, तो हम सेंटर पॉइंट क्लिक करते हैं और एंटर। देखिए हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। यहाँ पर सर्कल के कुछ और ऑप्शन भी दिए गए हैं, चलिए वे भी देखते हैं। पहला है सेंटर और रेडियस, यानी कि इसमें हमें सेंटर पॉइंट क्लिक करना है और रेडियस एंटर करनी है। आपको एक बात याद रखनी है कि आपका डायनेमिक इनपुट ऑन होना चाहिए। यदि आपका डायनेमिक इनपुट ऑफ है तो आप उसको F12 की प्रेस करके ऑन कर सकते हैं, या फिर आप अपने स्टेटस बार में इस बटन पर क्लिक करके उसको ऑन कर सकते हैं। चलिए रेडियस एंटर करते हैं 50 और एंटर। उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं, सेंटर डायमीटर। इस वाले में तो हमने रेडियस एंटर की थी, इसमें हमको डायमीटर एंटर करना होगा। चलिए सेंटर पॉइंट डायमीटर लिखकर हम एंटर करते हैं, तो ये हमारा सेंटर और डायमीटर के दोनों सर्किल ड्रॉ हो गए हैं। अगला ऑप्शन है हमारा टू पॉइंट। चलिए उसके लिए पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एल एंटर। तो देखिए टू पॉइंट वाला, यानी कि यदि हमें टू पॉइंट सर्किल ड्रॉ करना है, जैसे फर्स्ट पॉइंट ये हुआ और सेकेंड पॉइंट ये, तो यह कमांड हमारे वहाँ पर यूज़ होगी। इसके अलावा नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इसके लिए पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। थ्री पॉइंट सर्किल, इस पर क्लिक करते हैं और अपना फर्स्ट पॉइंट, थ्री पॉइंट, सॉरी वो सेकेंड था, थर्ड है, ये हमारा थ्री पॉइंट सर्किल ड्रॉ हो गया। सबको डिलीट करते हैं, कंट्रोल ए और डिलीट। एक बार सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट दोबारा ट्राई करते हैं। इसके लिए पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। चलिए देखते हैं, टू पॉइंट यानी कि हमें टू पॉइंटों से पास हुआ सर्किल ड्रॉ करना है, तो हम ये कमांड यूज़ करेंगे। और थ्री पॉइंटों से पास हुआ सर्किल ड्रॉ करना है, तो हम पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, आप अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग कोई भी सर्कल कमांड ले सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है टेन टेन रेडियस, यानी कि अगर हमारे दो टेंजेंट पॉइंट है और हमें उसकी रेडियस दी है, तो ये कमांड हम आप अप्लाई करेंगे। जैसे एक टेंजेंट पॉइंट हमने ये ले लिया और एक ये ले लिया और 50 एंटर, यानी कि इस लाइन के टेंजेंट और इस लाइन के टेंजेंट। चलिए अगला ऑप्शन है हमारा टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, यानी कि इसमें तीनों टेन टेन है, मतलब हमारा ऐसा सर्किल जो हमारे तीन पॉइंट से टच हो रहा है, ना तो हमें उसकी कोई रेडियस दी जाती है ना कोई डायमीटर दिया जाता है, बस हमारा वो तीन पॉइंट से टच हो रहा है सर्किल, तो तब हम ये कमांड यूज़ करेंगे। एक बात और, यदि आपने कोई कमांड, आप किसी कमांड से एग्जिट हो गए और आपको दोबारा फिर वही कमांड लेनी है, तो आपको कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा से स्पेस बार या एंटर की प्रेस कर सकते हैं, तो इससे आपकी रिसेंट कमांड दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। मतलब स्पेस और एंटर कमांड से एग्जिट होने के लिए भी यूज़ करते हैं और दोबारा से रिसेंट कमांड के लिए भी यूज़ करते हैं। चलिए सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, टेन टेन रेडियस वाला, यानी कि ये हमारा फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड और थर्ड। देखिए ऐसा सर्किल जो हमारे थ्री टेंजेंट पॉइंट से होकर गुजर रहा है, तो ये कमांड हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। आपके सारे ऑप्शन हो गए हैं,
अभी तो हम बस यहाँ पर केवल बेसिक कमांड सीख रहे हैं, इनकी मेन प्रैक्टिस तो एक्सरसाइज में होगी। जब आगे चल के हम एक्सरसाइज करेंगे तब ये क्लियर होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा।